हेलो साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएसआई के बारे में। जैसा साथियों आपको बता दें, पहले तो ये हेडलाइन पढ़ते, यूपी दरोगा भर्ती परीक्षा के साथ साथ डीवी पीएसटी में हुई धांधली को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, फिर से घोषित होगा यूपीएसआई का रिजल्ट। ठीक है साथियों, और आपको दिखाते हैं एक न्यूज, सालवर की मदद से पास की दरोगा भर्ती की परीक्षा जांच में धरा गया। जांच मतलब डीवी पीएसटी में ये पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, नाम है सेनपाल सिन्हा। पहले और एक दिखाते हैं मुन्ना भाई को, तो दरोगा भर्ती मुन्ना भाई गिरफ्तार, बायोमेट्रिक जांच में पकड़ा गया, ना फोटो का मिलान हुआ ना ही दस्तखत। तो साथियों आप सभी समझ सकते हैं कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है, और उस पर से मेन योगी जी का बयान भी आया है। दरोगा के 9534 पदों पर होने वाली अभ्यर्थियों के लिए अभिलेखों का सत्यापन साथियों आप सभी को पता है चल रहा है, उसमें धांधली हुई। मुन्ना भाई की एक कहानी तुम्हें थोड़ा इनका पढ़ जो न्यूज में लिखा उसको बताते हैं। यूपी दरोगा भर्ती परीक्षा में सॉल्वर की मदद से पास होकर आया अभ्यर्थी को फिजिकल टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन के दौरान गिरफ्तार किया गया। दरोगा बनने आया अभ्यर्थी अपना पूरा नाम हलफनामा पर ना सही नहीं लिख सका। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जो रुपयों की खातिर केवल एग्जाम पास कर लेते हैं, लेकिन डीवीपीएसटी में पकड़ लिए गए। अब इसके साथ में एक और आपको प्रूफ दिखाना चाहता हूं, आखिर इतने स्टूडेंट अब्सेंट क्यों हो रहे हैं एग्जाम में। ये 27 अप्रैल का डाटा है, और इसमें आप सभी देखते हो ये अनुपस्थिति का है और ये फेल का है। ठीक है साथियों, तो अनुपस्थिति में 142 अनुपस्थित हैं, वहीं 90 क्या हैं, फेल हुए हैं। तो फेल कम हुए, अनुपस्थित ज्यादा हुए। आप सोच सकते हैं इतना टफ एग्जाम यूपीएसआई है कि पहली बात टफ नहीं, बेरोजगारी इतनी है। उस टाइम पर अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम क्लियर कर लेता है तो, और वो अब्सेंट डीवीपीएसटी नहीं देने आता है, इसका क्या मतलब हो सकता है। आप सभी सोच सकते हैं, इसमें हमें तो ये लग रहा है कि जैसे ये सभी जब से 25 तारीख को प्रयागराज से पहला स्टूडेंट गिरफ्तार किया गया था सर्वेश सिंह, तब से ये जो रेशियो है अब्सेंटी का, ये रेशियो बढ़ गया है। क्या अब्सेंटी का रेशियो बढ़ गया है, और पहले 25 तारीख को रेशियो जो तक घट था इसका अब्सेंट होने का और फेल होने का ज्यादा था, लेकिन अब अब्सेंट होने का रेशियो बढ़ गया है, वही फेल होने का रेशियो घट गया है। तो साथियों बहुत से इसीलिए इसका यूपीएसआई का री एग्जाम अगर मांग की जाए, जैसे ऑनलाइन भी इसका 5 तारीख को होगा ऑनलाइन प्रोटेस्ट, उसमें आप सभी लोग साथियों भाग लीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। नेक्स्ट कोई भी नोटिफिकेशन एग्जाम से रिलेटेड आती है, अगर आप तैयारी किए हैं, पेपर दिए हैं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं आपको तुरंत अपडेट करता हूँ। ठीक है साथियों, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।